वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अब बात करें अपने IBPS क्लरिकल के लिए, जिसका रिजल्ट आउट हो चुका है। फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे, प्लस वैकेंसी इंक्रीज। यानी IBPS क्लरिकल की बात की जाए तो यहाँ पे जो वैकेंसी इंक्रीज हुई वो 6000 प्लस वैकेंसी इंक्रीज हुई है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट है वहाँ पर वैकेंसी डबल हुई है। यानी पहले नोटिफिकेशन आया था उस टाइम जो वैकेंसी थी और अब जो वैकेंसीज है उनमें बहुत ज़्यादा डिफर है। यानी 6000 प्लस वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज़ हुई है अब, तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शनल बन गया कि 6000 जो स्टूडेंट है वो और सिलेक्टेड होंगे। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग यही सोचते हो कि वैकेंसीज कम है, वैकेंसीज कम है, पर जब वो फाइनल तक पहुंचती है तो उसमें बहुत सारी वैकेंसीज ऐड हो जाती है। तो अब कोई भी नोटिफिकेशन आए तो अब ये चिंता नहीं मत करना कि वैकेंसीज उस स्टेट में कम है या उस जॉब के अंदर हम जा रहे हैं तो उसमें अभी वैकेंसीज कम है, पर जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वैकेंसी इंक्रीज होती है। और डेफिनेटली इसमें भी 6000 प्लस वैकेंसी थी, यानी जब नोटिफिकेशन आए तो 12000 वैकेंसी थी और अब 18000 के करीबन वैकेंसीज है। तो अपने डिस्कस कर रहे थे कट ऑफ और वैकेंसी कौन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और अभी तक आपने GA के लिए अफेयर क्लाउड्स के PDF नहीं लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले लीजिए, और बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ कीजिए, 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। बायलैंग्वेल है हिंदी और इंग्लिश। IBPS के क्लरिकल के अंदर 90% क्वेश्चन वहीं से कवर हुए थे मेंस के अंदर, तो आप जरूर परचेज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बैंकिंग सक्सेस कोड यूज़ कीजिए। तो चलिए कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं जूम करके कि प्रोविजनल अलॉटमेंट जो हुआ है उसमें मैक्सिमम स्कोर क्या रहा है स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की मैं कुछ स्टेट की बात कर रहा हूँ, अगर राजस्थान की बात करें यहाँ पे तो जो मैक्सिमम कट ऑफ रही है वो रही है 62, और अगर पंजाब की यहाँ पे बात करें तो 64 जो पंजाब की कट ऑफ है। और अपने कुछ एक स्टेट की बात करें, नई दिल्ली की अगर बात की जाए तो न्यू दिल्ली की जो कट ऑफ है वो 65.63, यानी मैक्सिमम स्कोर की बात करें, अभी कट ऑफ की बात नहीं करें अपने। और इसमें महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 67 मैक्सिमम स्कोर। अब अपने बात करते हैं कट ऑफ की, देखिए कट ऑफ जो होता है वो मिनिमम स्कोर होता है आपका। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि आप अपने जो भी आपका स्टेट है उसकी कट ऑफ देख सकते हो। देखिए अंडमान एंड निकोबार की जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो है 38.50, और आंध्र प्रदेश की जो कट ऑफ है वो है 45.13। ये 100 में से मैक्सिमाइज करके आपको बताई जाती है कट ऑफ। और जो चंडीगढ़ की कट ऑफ है वो रहेगी आपकी यहाँ पे 47.25, और उसके बाद अगर बात की जाए नई दिल्ली की जो कट ऑफ है वो है 49.63, यानी 49.63 जो कट ऑफ है। और गोवा की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो 35 है, और अगर गुजरात की कट ऑफ की बात की जाए तो 42.25, यानी 100 में से है ये 42.25 कट ऑफ गुजरात की। हरियाणा की अगर बात की जाए तो 48.63 कट ऑफ है। आगे अगर अपने बात करें हिमाचल प्रदेश की अगर कट ऑफ की बात करें तो जो कट ऑफ है इसकी है वो है 47.13, यानी 47.13। अगर बात की जाए यहाँ पे जम्मू कश्मीर की तो वो है 49.25, कर्नाटका की अगर बात की जाए तो 40.38। आगे अपने बात करते हैं महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की जो है वो 42.88 कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, और अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पे जो कट ऑफ 48.88, और राजस्थान की अगर बात की जाए तो 47.38, और यहाँ पे तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो 47। आगे अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं कट ऑफ की, उत्तर प्रदेश की जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो 45.13, और वेस्ट बंगाल की 47.38। तो ये आपकी कट ऑफ है IBPS क्लरिकल की, और आप यहाँ पे OBC और EWS कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे अपनी चेक सकते हो। और ये पूरा का पूरा आपको PDF मिलेगा IBPS की साइट पे। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए रिजर्व लिस्ट की तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपने, और रिजर्व लिस्ट की जो कट ऑफ रखी है इन्होंने ये अपने सामने कट ऑफ है आप देख सकते हो जो भी आपका स्टेट है। तो यहाँ पे गुजरात की अगर बात की जाए तो 36.38 जो कट ऑफ रखी है EWS के लिए, और जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो है 41.13 गुजरात के लिए, हरियाणा के लिए 48 नंबर कट ऑफ रखी है रिजर्व लिस्ट के लिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो 49.13 रखा है, और अगर बात की जाए पंजाब की तो 47.88, और राजस्थान की अगर बात की जाए तो 46.75 इन्होंने कट ऑफ रखी है। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे 44.50 कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी के लिए इन्होंने रखी है। देखिए वैकेंसीज़ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की। महाराष्ट्र स्टेट में जो वैकेंसी जब है वो कितनी है, 2048 वैकेंसी, और जब नोटिफिकेशन आया था तो महाराष्ट्र के अंदर कितनी वैकेंसी थी और अब कितनी वैकेंसी है। देखिए अब 2048 वैकेंसी है महाराष्ट्र के अंदर, और जब नोटिफिकेशन आया था उस टाइम जो महाराष्ट्र की वैकेंसीज थी वो थी अपने पास
ये रहा अपने पास महाराष्ट्र, टोटल वैकेंसी 1200 वैकेंसी, यानी लगभग 800 वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज हुई है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो 2000 वैकेंसी है, उस टाइम 1200 वैकेंसी थी, यानी लगभग 800 वैकेंसी अपने पास इंक्रीज हुई है। दूसरे स्टेट की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज अपने पास आई थी वो आई अभी जो फिलहाल जो जॉइनिंग जिन लोगों को मिलनी है वो कितनी मिली है, 2626 वैकेंसीज पे जॉइनिंग मिलनी है। और जिस टाइम नोटिफिकेशन आया था उस टाइम कितनी वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपने देख लेते हैं। देखिए ये है उत्तर प्रदेश स्टेट, और जब वैकेंसीज आई थी तब नोटिफिकेशन के अंदर से हमने ये स्क्रीनशॉट निकाला है, तो यहाँ पे वैकेंसी थी 1203, यानी लगभग डबल से भी ज़्यादा 1203 वैकेंसी थी और अब 2626 वैकेंसी। तो कितनी ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, डबल से भी ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसका भी फायदा हुआ। तो आप जब भी नोटिफिकेशन आते थे ये बात मत देखिए कितनी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी किस स्टेट में है, कितनी कम है, तो वो चीज़ें आपको नहीं देखनी होती, सिर्फ और सिर्फ आपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना होता है और आपका जो हार्ड वर्क होता है उसी से आपको जो सक्सेस मिलती है। अगर किसी का भी अपने चैनल से सिलेक्शन हो रहा है IBPS क्लर्क में तो कमेंट जरूर कीजिए, और आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है IBPS PO IBPS क्लर्कल 2020 के, RRB PO SB PO SB क्लर्कल मेंस RB असिस्टेंट मेंस, अगर आप GA की प्रिपेयर कर रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन है वो आप ले लीजिए, क्योंकि IBPS क्लर्कल 2019 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था यानी मेंस का एग्जाम था उसमें जो है वो 90% तक GA वहाँ से कवर हुआ था, और ये उसी का नतीजा कि आज बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हुए हैं, लगभग 18,000 लोग जो वो सिलेक्टेड हुए हैं। तो अगर कोई भी अपनी चैनल से है तो कमेंट जरूर करके बताएं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए इसी तरह के अपडेट्स के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।